हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि डायरीज। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ ऋषिकेश हरिद्वार गंगा घाट, तो स्टे ट्यून्ड। हेलो, अभी हम घर से चल पड़े हैं सुबह गुड़गांव से, तो हमें ऋषिकेश पहुंचने के लिए गुड़गांव से दिल्ली, गाज़ियाबाद, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए रुड़की, फिर हरिद्वार और फिर हमें अजमेर ऋषिकेश पहुंचना है। तो ये हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश सुबह। अगर आप यहाँ से, अगर गुड़गांव से अगर आप ऋषिकेश तक जाते हो तो कम से कम आपको 5-6 घंटे का सफ़र लग जाएगा ट्रैफिक को मिलाकर। रास्ते में थोड़ी भूख लगी थी तो हम रुक गए हैं लंच करने के लिए। ये छोटी सी जगह है, ऑन द वे ही आपको पड़ती है मेरठ क्रॉस करने के बाद। यहाँ आप लंच, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हो। छोटी सी बहुत प्यारी सी ये जगह बनी हुई है जहाँ पे आप अपना ब्रेक्स ले सकते हो, टी, कॉफ़ी, चाय का, कुछ भी ब्रेक लेना हो आपको, मंचिंग करनी हो आपको यहाँ पे रुक सकते हो। अच्छी जगह बनी हुई है, हर तरह का ब्रांड है यहाँ पे, हर तरह के चॉइस के खाना यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, बच्चों की पसंद का भी और बड़ों की पसंद का भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के आप ब्रेक ले सकते हो। इसके बाद हम लंच करके फटाफट जल्दी से निकलेंगे क्योंकि हमें रास्ता कवर करना है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लंच टाइम, मतलब 3 से 4 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएं ताकि हम ऋषिकेश तक 5 बजे पहुंच जाएं। हमें आज शाम की आरती देखनी है गंगा घाट की वहां पे, इसलिए हम चाहते हैं कि 4-5 बजे तक हम हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुंच जाएं। तो हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर लिया और बहुत ही जल्द हम वहां पे पहुंचने भी वाले हैं। लीजिए, हमने वहाँ पे ऋषिकेश में हमने चेक इन कर लिया हुआ है। होटल में फ्रेश होने के बाद हम शाम को यहाँ पे 6 बजे के बाद निकले हैं गंगा घाट की तरफ जाने के लिए क्योंकि वहाँ की आरती बहुत फेमस है। हम गंगा घाट पे आरती देखना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ से घाट की तरफ जाने के लिए हमने ये रास्ता पकड़ा है। यहाँ पे फेमस है, अगर आप चाहो तो शत्रुघ्न घाट भी है यहाँ पे, त्रिवेणी घाट भी है और कई तरह के यहाँ पे घाट बने हुए हैं। सबसे बेस्ट आरती अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको त्रिवेणी घाट में देखने को मिलेगी। बहुत हर्षोल्लास से वहाँ पे बहुत सभी भक्तजन मिलकर अच्छी सी गैदरिंग के साथ आरती गंगा घाट की जाती है, गंगा माँ की, तो वो आप देखने जा रहे हैं। अगर आपको रास्ता आप त्रिवेणी घाट तक ना पहुँच पाओ या किसी और घाट पे भी आप जा सकते हो, ऑन द रोड ही आपको लेफ्ट साइड में घाट की तरफ से रास्ते जाते हुए दिखाई देंगे। या आप किसी से भी वहाँ पे दुकानदारों से पूछ सकते हो, कोई भी आपको वहाँ पे गाइड कर देगा, लोगों से आप इंक्वायर कर सकते हो। तो ये हम घाट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शाम का समय होने वाला है और हम गंगा आरती देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते। सामने आप देखोगे अगर ध्यान से तो एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जो घाट की तरफ जाता है, हमें उसी गेट के अंदर जाना है, वहाँ पे गंगा घाट बना हुआ है। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। कितना प्यारा सूदिंग व्यू लग रहा है, शाम होने वाली है, अंधेरा भी होने वाला है, सनसेट होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि आरती का समय होने वाला है। सुबह हम हरिद्वार के लिए आए हैं ऋषिकेश में। हमने रात को गंगा आरती के दर्शन किए थे, गंगा आरती में ज्वाइन भी किया था, बहुत मज़ा भी आया था। आज सुबह हम हरिद्वार आए हैं और ये हरिद्वार का गंगा घाट है। यहाँ पर भी आकर, अगर इतनी दूर आकर भी, हमारा एक छोटा सा ट्रिप था जो एक ही दिन का था, हम कल आए थे और आज सुबह अभी हमें वापस निकलना है, लेकिन हरिद्वार होते हुए हम गंगा के दर्शन करके, गंगा स्नान करने के बाद ही घर वापस जाएंगे। तो यहाँ पर आके आपको बहुत ही रिलैक्स मिलता है। आप जब भी हरिद्वार या ऋषिकेश आए, गंगा घाट पर ज़रूर जाएँ और गंगा स्नान ज़रूर करें, आके बहुत ही मन को शांति मिलती है। लीजिए, मेरे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।